तो 70 दिन में 70 मार्क्स फिजिक्स में कैसे स्कोर करें, ये वीडियो होने वाली है टोटली उसके बारे में। हमने सेम वीडियो मैथ्स के लिए ऑलरेडी बना दी है जो कि आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगी। और ये वीडियो होने वाली है फिजिक्स के बारे में जिसपे कि अगर आप 2000 लाइक्स टारगेट अचीव करवा देते हो तो केमिस्ट्री की वीडियो उतनी ही जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। और ये वीडियोस काफ़ी रॉ रहती है, मैं इन वीडियोस में कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। बट आई विल डू अ वन ऑन वन टॉक विथ यू, आई विल लेट यू नो कि आपको करना कैसे और क्या करना है, और इस चीज़ को जितना हो सके उतना रॉ पॉसिबल रखने की कोशिश करेंगे। तो यार सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस बात से कि फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है जिसकी आपको पढ़ाई करनी है वो करीबन तीन चीज़ों में बटा हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज थ्योरी, सेकंड थिंग इज डेरिवेशन एंड द थर्ड थिंग इज न्यूमेरिकल। अब तुम लोग बोलोगे भैया कि डेरिवेशन क्या होता है, थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ये चीज़ों को हम कैसे समझें और कैसे जाने, तो मैं बहुत सिंपली बताता हूँ, ठीक है। थ्योरी इज बेसिकली जो भी वीडियोज तुम देखते हो, डेरिवेशन इज बेसिकली जो भी फॉर्मूलाज हैं जो आपके फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में लगते हैं, वो फॉर्मूलाज कैसे डेराइव किए जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस, और साथ ही में आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी जनता जो है, मतलब मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जनता का पूरा फोकस जो होता है वो न्यूमेरिकल की ओर होता है। और पता नहीं क्यों बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया न्यूमेरिकल करा दो, न्यूमेरिकल करा दो। मैं आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा मार्क्स का आता भी नहीं है जितना ज़्यादा आप उसका टेंशन लेके बैठे होते हो, एल्स आपको उतना ही टाइम अपना थ्योरी में या फिर अपना डेरिवेशन में फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कहाँ से करें। देखो यार, सबसे पहली बात है, बात करते हैं डेरिवेशंस की, तो मैं आपके लिए डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मतलब जो भी आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट है, बेस्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वो जाके खोल लेना, मैं वहाँ पर उसको दोबारा पिन कर दूंगा। मैंने सारी चीज़ें गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखी है आपके हेल्प के लिए, जहाँ से जाके आप उन सभी चीज़ों को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ये याद रखना कि फिजिक्स में अगर 70 आउट ऑफ 70 का आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि आई विल डू इट भैया। अब देखो यार, सबसे पहली बात है कि आपके पास मटेरियल्स हो जाएंगे, लेकिन डेरिवेशंस करें कैसे। अब मैं डेरिवेशंस के लिए तुम्हारे लिए चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, डेरिवेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बेसिक नॉर्मली आते हैं, लेकिन हाँ किसी अलग तरीके से पूछा जाता है। लेट सपोज अगर आप स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ रहे हो तो उसमें डायरेक्ट ये नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में कि राइट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, अदरवाइज उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया जाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एक अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगा के हो सकता है। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट करोगे उतना ज़्यादा आपको उससे रेलेवेंसी मिल जाएगी। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करें, तो न्यूमेरिकल्स के लिए यार उतना ज़्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू ओनली वन थिंग, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है ना, आप उससे एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, बिकॉज डैट आर मोर देन इनफ। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो उससे आपका काम हो जाएगा, आपको उसके अलावा और कहीं सर पटकने की जरूरत नहीं है, और आपको एचसी वर्मा और ये सभी बुक को लगाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीज़, ना ही आपके जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ना ही आपके नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी इजी, डैट विल बी टोटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ठीक है। अब हमें पता चल गया भैया डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स का, बता दो थ्योरी का। देखो यार, फिजिक्स में जो थ्योरी है, मैं आपको एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, आप थ्योरी सिर्फ उन्हीं की देखना यूट्यूब पे। आई विल नॉट रिकमेंड एनी चैनल टू यू, बिकॉज आई थिंक दैट फिजिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और किसी एक का नाम लेना एक प्रॉपर बायसनेस कहलाएगा इन फिजिक्स। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स में भाई आप एक्सप्लोर कर लो अपने एंड से, या तो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लगता है कि ये टीचर जो है ये बेस्ट टीचर है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में उनका नाम लिखिए, उनके चैनल का नाम लिखिए, और डिस्क्राइब कीजिए कि वाई ही इज़ बेस्ट, ताकि दूसरे बच्चे उसको पढ़ के अपना डिसीजन बना पाए और दूसरों बच्चों का हेल्प हो पाए कि हाँ मुझे फिजिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है तो इस बच्चे ने रिकमेंड किया है तो मैं इसके थ्रू देख लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भैया हमारा पूरा पूरी वो बनाने का कि हमें जो पढ़ाई करनी है उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, वो सभी चीज़ें हमने एक जगह कर ली, पर भैया 70 दिन में ये हो कैसे पाएगा। तुम्हें मैं जेन्युइनली बता दूं तो मैं तुम्हारे 70 डेज तो ले ही नहीं रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे 70 डेज लेने पे बैठ जाऊं तो तुम्हें तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। 70 दिन में 20 दिन मैंने टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दे दिए हैं, सैम्पल पेपर्स भी ऐड अप है, और बाकी के जो 50 दिन है एक्चुअली मुझे सिर्फ ये 50 दिन चाहिए तुम्हारे, ठीक है। फिजिक्स में मैं आपको बता दूं 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स है जो कि 5 से 6 दिन का रिक्वायरमेंट मांगते हैं, ठीक है।
जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मांगेगा और आपका इधर जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है वो आपको मांगेगा। तो ये दो ऐसे पोर्शंस है, यूनिट्स हैं जो कि आपके टाइम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं उसमें टाइम बहुत कम लगने वाला आपको, मतलब इट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम। देयर इज अ चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि 2 दिन भी बहुत है उसके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके ऑन एन एवरेज 3 दिन लगने वाले हैं पर चैप्टर, और 3 दिन को आप एक मैक्सिमम एक्सटेंट पे रखो। कुछ कुछ चैप्टर्स में आपके 5 दिन लग सकते हैं, बट जिसमें 2 दिन लगेंगे तो ऑन एन एवरेज का अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं तो 3 से 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विच गिव अस अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि हाँ भैया 50 दिन में 14-15 चैप्टर कंप्लीट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इतनी चीज़ें पता चल जाती है उसके बाद हमें करना क्या होता है कि जस्ट वी हैव टू स्टार्ट। अब देखो मैं तो एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, फिजिक्स में यार अगर आपको जानना है कि किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो टू CBSE सिलेबस, वहाँ पर 12th का लेटेस्ट फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड करो। उसमें आपके चैप्टर के बगल में नंबर ऑफ पीरियड्स लिखा रहता है, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि विच चैप्टर इज लेंथी एंड विच इज नॉट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको बस स्टार्ट कर देना है, उन चैप्टर्स को पहले कवर अप करना जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कम है, यानी कि अल्टीमेटली छोटे चैप्टर जैसे एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत छोटे हैं, जिनको करना बहुत आसान है, जिस पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप उस चैप्टर्स को पहले कवर अप करके साइड कर दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा 99% बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है वो लॉन्ग चैप्टर यानी कि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले जितने भी चैप्टर अपने स्टार्टिंग के Book 1, Book 2 में, उन सभी चैप्टर्स को वो लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और लास्ट में वो चैप्टर्स छोड़ सक देते हैं जिनका क्वेश्चन जो है वो पता होता है कि क्या आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो हर साल कुछ अचंभा कर देता है, लोगों को कुछ अलग दे देता है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आ क्या गया है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से 20 दिन दिए हैं जिसको कि आप उसमें कर सकते हो। अब एक काम करना, ज़रूर से एक शीट ऑफ पेपर लेना और उस शीट ऑफ पेपर में लाइन से अपने चैप्टर के नेम लिख देना और 3 कॉलम्स अलग से बना देना, जिसमें सबसे ऊपर में एक में लिख देना टी यानी कि थ्योरी, उसके बाद लिख देना एन यानी कि न्यूमेरिकल्स, तीसरा लिख देना डी यानी डेरिवेशंस, और चौथा कॉलम जो होगा वो होगा PYQ। अब जो जो चैप्टर के तुम थ्योरी देखते जाओगे उसमें टिक लगाते जाना, थ्योरी वीडियोस देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टिक लगा देना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, और डेरिवेशन में टिक लगा देना जब तुमने उसके डेरिवेशन के अच्छे नोट्स बना लिए और काइंड ऑफ रिविजन कर लिया है अपना। ठीक है, ये टिक करने से क्या होगा कि तुम्हें एक ट्रैक ऑफ टाइम रहेगा और तुम्हें पता रहेगा कि 50 दिन में मुझे ये सारा टिक्स लगाना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं, अभी तुम्हारे पास कोई भी फेस्टिवल्स नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे आगे आने वाले 70-80 दिनों तक। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है, एंड आई थिंक कि अभी तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस जो है, मतलब 100% फोकस जो है वो होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। नाउ यार, जाते जाते ये तो ज़रूर बता देता हूँ कि फिजिक्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के आएंगे, तो अगर तुमने थ्योरी इन डेप्थ नहीं पढ़ा तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो अगर तुम 1 घंटे और 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो फिजिक्स की वो वन शॉट्स देख के, तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा और तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब तक तुम डिटेल्ड थ्योरी वाले वीडियो, एटलीस्ट 4 आवर प्लस की वीडियो एक चैप्टर की, एटलीस्ट 4 घंटे से ज़्यादा वाली जो भी वीडियोस रहेंगी वो वीडियोस इन डेप्थ रहेंगी, और उन वीडियोस को देखने के बाद उन वीडियो से जो आप नोट्स बनाते हो वो नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेंगे आपके फिजिक्स को क्लियर अप करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को देखने के बाद, एक चैप्टर को देखने के बाद, आप ये ज़रूर देखो कि आपसे उस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, बट समझ आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो डैट वीडियो इज़ गुड, अगर नहीं आ रहे तो समझ जाना कि तुमने अपना सक्सेसफुली 2 से 3 घंटा बर्बाद कर दिया। तो ये एक अच्छा एनालाइजेशन होता है आपके किसी भी मतलब क्रैश स्टडी में या फिर फास्ट स्टडी में, और मैं आपको बता दूं ये सबसे एप्लीकेबल भी होता है। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें जाना है, तुम्हें ये चार्ट बनाना है जो मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें अपने चैप्टर से शुरू करना है, नंबर ऑफ पीरियड जिसमें कम है उन चैप्टर्स को पहले टारगेट करना है, उनको पहले क्लियर आउट करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से या तो ऑप्टिक्स से शुरू कर सकते हो या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी वाले से स्टार्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये आप अपना डिसाइड कर लेना, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ, इफ यू स्टार्ट नाउ एंड इफ यू एंड इन 70 डेज यू विल बी स्टैंडिंग ऑन 70 मार्क,
ये तुम याद रख लो, ठीक है? तो अभी से स्टार्ट कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि आई विल डू इट भैया, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और 2000 लाइक्स इस वीडियो पे करा देना फॉर द केमिस्ट्री वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।